जनता ने ये साबित किया है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ है। सवेरे 7 बजे से ही साइकिल की इतनी बटन दबाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत भी शायद बच पाए। और वहाँ के मौलाना को अपशब्दों का गाली देते हुए उनका अपमान करने का काम, इन अन्याय अत्याचार को बचाने का बदला लेने का काम करें। हर पार्टी अपने एजेंट बनाती है और एजेंट के लिए एक व्यवस्था तैयार करती है। बारीकी से राजनीति को समझते होंगे, वो जानते होंगे कि दिल्ली और लखनऊ में इंजन टकरा रहे हैं और उस टकराने के तमाम उदाहरण हैं। अभी तक सरकार अपना डीजीपी नहीं अपॉइंट कर पाई है क्योंकि दिल्ली का इंजन किसी और को चाहता है, यूपी का इंजन किसी और को चाहता है, इसीलिए कारवाही आपके पास है। अभी तक फुल डीजीपी नहीं बन पाए हैं और अभी तो हम लोगों ने हाल ही में देखा है कि इनके अब तो नारे भी टकराने लगे हैं। पहले इंजन टकरा रहे थे, अब इनके नारे टकरा रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि जो लोग समाज में अपने नारे के माध्यम से बारूद बिछा रहे थे, उन्हें खुद पता लग गया है कि उनकी कुर्सी हिलाने के लिए लोग कुर्सी तक सुरंग बना रहे हैं। बताओ, उनके अपने लोग ही नारे पर एक दूसरे को डपट रहे कि नहीं डपट रहे, बताओ। और सच्चाई तो यह है कि जो डिप्टी साहब हैं, वो अपने मोबाइल पर दिल्ली का गाना बजा रहे हैं, वो भी आए होंगे। ये नारा जो दिया गया था बांटो और काटो वाला, ये नारा अंग्रेजों से सीख करके आए थे। ये अंग्रेजों ने कभी नारा दिया था डिवाइड एंड रूल, ये हमारे पढ़े लिखे लोग जानते होंगे। डिवाइड का मतलब जानते हो हिंदी में क्या है? ये अंग्रेजों से सीखा था। अंग्रेज तो चले गए लेकिन अभी उनके विचार वंशी और वचन वंशी हमारे आपके बीच में है। लेकिन ये बात समझ लें, ये हमारा समाज बटने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता और कठेरी की जनता सौहार्द पसंद करती है, भाईचारा पसंद करती है, आपस में मिलकर के रहने का काम करती है। अधिकारियों का सुना है जिला अधिकारी रिटायर होने जा रहे हैं, सुना है कि जिला अधिकारी जी रिटायर होने जा रहे हैं। हम लोग लखनऊ में बैठ करके भी देख रहे हैं कि वो जिलाधिकारी कम लग रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ज्यादा लग रहे हैं। और लग तो ये भी रहा है कि उनकी इच्छा ये कि वो भी चुनाव लड़ लें। हम तो उनसे कहेंगे कहां बीजेपी का चक्कर काटोगे आप टिकट के लिए? क्यों काटते हो बीजेपी का चक्कर? आइए समाजवादी पार्टी में आपको साइकिल चुनाव चिन्ह मिलेगा। कार्यक्रम में जनता ने ये साबित किया है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ है। और 20 तारीख को आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की अपील को स्वीकार करते हुए सवेरे 7 बजे से ही साइकिल की इतनी बटन दबाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत भी शायद बच पावे। निश्चित रूप से जनता में आज दहशत पैदा करने का काम प्रशासन के लोग कर रहे हैं। अभी जब हमें सूचना प्राप्त हुई है कि हम लोग रैली में यहाँ कामयाब बनाने के लिए आए हुए थे, उसी दौरान बलासपुर गांव में मदरसे में पुलिस गई और वहाँ के मौलाना को अपशब्दों का गाली देते हुए उनका अपमान करने का काम किया। बार बार वो जनता को उत्तेजित कर रहे हैं, भड़काने का प्रयास कर रहे हैं कि जिससे ऐसा विवाद हो जाए
और उसके नाम पर हम लोगों का वोट डालने से रोकने का प्रयास करें। लेकिन मैं जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि वो धैर्य रखकर मुसीबतों से डटकर मुकाबला कर और 20 तारीख को अपने वोट के अधिकार के माध्यम से इन अन्याय अत्याचार को बचाने का बदला लेने का काम करें, ऐसा मेरा आम जनता से अपील है। से आप स्वयं अगर क्षेत्र में घूम रहे होंगे तो जिस तरह से केवल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ 107-16 की कार्रवाई की गई और जिस तरह से उनकी गाड़ियों को चेक करके प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है, उसका एक आज ही जीता जाता उदाहरण है कि हमारी सहयोगी एक है, पुलिस लाइन में कुछ काम था जो हेलीपैड का उतरने का सुरक्षा का खर्च के रूप में 22,300 रुपया जमा करना था। हमने उनसे कहा कि जाके आप पैसा जमा कर दीजिए और वो पैसा जमा करके बाहर निकले, राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत में कुछ फल फूल लेकर आ रहे थे, उनको रास्ते में ही उनकी गाड़ी को पकड़ लिया, चौकी पर ले जाकर बैठा लिया। वरिष्ठ अधिकारियों से बाद में हमने जब आग्रह किया तो उनके आग्रह पर उनको छोड़ने का काम किया। तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि अगर उनके लिए फल फूल ले आ रहे हैं, वो हमारे अतिथि थे, और उसको भी पुलिस रोक ले, तो इससे ज़्यादा जघन्य अपराध क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा अत्याचार क्या हो सकता है। अब जैसे चुनाव होता है, हर पार्टी अपने एजेंट बनाती है और एजेंट के लिए एक बस्ता तैयार करती है, उस बस्ता में कलम होता है, पर्चियां होती हैं, डेमो मशीन होता है और साथ ही साथ वोटर लिस्ट होती है कि जिनका वोटर स्लिप नहीं मिली है, पर्ची बना के देकर वो लोग जाकर वोट डालने का काम कर सके। वही लेकर बस्ते को लेकर हमारे अनुज हैं श्री लोकुश जी, वो लेकर जा रहे थे, गाड़ी का पास था, कोई गलत कार्य नहीं था, फिर भी पुलिस ने दौड़ा के उनको पकड़ा, रोका और घंटों तक तलाशी लेते रहे। निश्चित रूप से एक दिन और पहले भी इसी तरह का जांच किया था, जिसके कारण हमने महसूस किया कि हमें परेशान किया जा रहा है और इसी आधार पे हमने उनको मना करने का प्रयास किया कि आप लोग ऐसा गैर कानूनी काम न करें, इसलिए कि आपने भी संविधान की शपथ लेकर पुलिस में आने के पहले निष्पक्ष रहने की शपथ लेने का काम किया है, उसका पालन करें, कट्टा नहीं बल्कि कानून का पालन करने के लिए हमने अपील की। हमारी कटहरी विधानसभा के क्षेत्र के देवतुल्य जनता से अपील है कि वो प्रशासन के जुल्म जाति के खिलाफ जिस तरह से बाबा साहब के लोकतंत्र को कमज़ोर करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए, महंगाई बेरोजगारी से निजात पाने के लिए, DAP खाद की किल्लत से निजात पाने के लिए और रोजगार पाने के लिए वो घरों से निकलकर साइकिल की बटन दबावे और श्रीमती शोभावती वर्मा जी जो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं उनको भारी वोटों से जिताने का काम करें। नारा दिया हमारा यही है कि जोड़ेंगे और जीतेंगे। जो है बांटने में विश्वास करती है, अंग्रेजों के रास्ते पर चलना चाहती है और हम लोग जोड़ने के रास्ते पर चलना चाहते हैं कि जोड़ेंगे, जुटे जोड़ेंगे तो जीतेंगे और उसी काम से हम लोग कार्य करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक को जोड़ रहा है तो भाजपा वालों को तंग हो रहा है, सबसे बड़ा तंग ये है जोड़ने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम नहीं करते हैं। पिछड़ों को दलित अल्पसंख्यक लेके चलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की एक पैसे की गुंडाई चलने नहीं पाएगी, जनता की बदौलत समाजवादी पार्टी आगे जा रही है। विधानसभा में यही अपील करूँगा कि हमारे जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हम लोग के गार्जियन स्वरूप लालजी वर्मा
जी की पत्नी है हम, तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ की जनता उनको सांसद हैं, विधायक भी, अगर सांसद से हक छीन के भी कटहरी में और विकास करेंगी, सांसद विधायक दोनों रहे एक परिवार के, तो सबसे अच्छा है। विपक्ष में तो मैं हूँ, सत्ता को क्या कहना चाहेंगे, सत्ता को बताए। कुशीनगर लोकसभा पीडी के उम्मीदवार हैं, इंडिया गठबंधन के थे, देवरिया सदर से मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा विधायक थे। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं सोचती है कि पिछड़ों के बच्चे चाहे पिछड़ों का परिवार आगे जाए, जो ये खूबी है तो माननीय अखिलेश यादव में है, अखिलेश यादव के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बानी दे सकता। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और हाँ खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।